खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आज फिर से एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। आज फिर से ससुराल में एक बेटी की मौत हुई है, जिसके शरीर और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगा है। मायके पक्ष के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जानकारी के मुताबिक पति को गिरफ्तार भी कर लिया है, बाकी घर के लोग फरार हो गए हैं। श्रावस्ती जनपद में नव विवाहिताओं के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक महीने में ये तीसरी बार है जब किसी विवाहिता की मौत ससुराल में हुई हो और ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगा हो। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत पूरे खैरी गांव का है, जहां पर एक 20 वर्षीय विवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी मौर्या नाम की विवाहिता को ससुरालियों ने बीते शाम जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। जब मायके पक्ष के लोग पहुंचे तो उन्होंने उसके शरीर पर और गले पर चोट का निशान देखा, जिसके बाद ससुरालियों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपी पति को सास ससुर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। मायके पक्ष के लोगों ने जानकारी दी है कि एक साल पहले ही लक्ष्मी मौर्या की शादी भिनगा कोतवाली अंतर्गत राजापुरानी गाँव निवासी हरदयाल पुत्र राम तीरथ के साथ में हुई थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज के लिए लक्ष्मी को प्रताड़ित किया जा रहा था और लक्ष्मी के पिता ने बताया कि बीते शाम ससुराल के लोगों ने मिल करके मेरी बेटी का गला दबाकर उसे मार डाला है। बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने लक्ष्मी के शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। वहीं पुलिस ने ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जनपद में घरेलू हिंसा दहेज प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। श्रावस्ती जिले में एक महीने के अंदर दहेज हत्या का ये तीसरा मामला मीडिया के संज्ञान में आया है। बेटा आपका आपके बहन की मौत हुई है, कैसे हो गई बताइए? मेरी बहन की मौत मेरे जीजू और मेरे उसके छोटे ससुर ने मारा है और उसकी सास ने। अच्छा, लाश आप लोगों ने देखी, कुछ चोट वोट के निशान मिले? हाँ, उस पे भर्ती था। कहाँ? हाँ। गले पे निशान था। कितने साल पहले शादी हुई थी? 17। मतलब एक साल पहले शादी हुई थी। हाँ। अच्छा, तो क्या उसे परेशान किया जाता था तो ससुराल में? अभी साल नहीं पूरा। नहीं, ससुराल में उसे परेशान किया जाता था, किस बात को लेकर? परेशान किया जाता था किस बात के लिए? अच्छा, मोटरसाइकिल और अंगूठी के लिए। अच्छा, कहाँ है उसके ससुराल वाले? यहाँ आए नहीं आए? यहाँ पे नहीं आए। कहाँ है? अब मुझे नहीं पता। अच्छा, अब उसकी मौत कहाँ हुई थी? उसकी मौत वहीं पर हुई थी, राजापुर, उनके ससुराल। ओ भैया, मोटरसाइकिल मांगत रहा अंगूठिया ना दे पाए, महतारी महतारी पूत मारी नहीं मिल गए, उनके चाचा मारिन ही 3 मिला मिल गए मारिन ही। अच्छा, क्या नाम था बेटी का? बेटी का हमारे लक्ष्मी नाम है। कब शादी किया था चाची? तो सुना आपने, परिवार के लोगों ने क्या आरोप लगाया है। परिवार के लोग बताते हैं कि लक्ष्मी मौर्या को दहेज के लिए ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे और उसकी मौत जो है ससुराल में हो गई। उसके बाद ससुराल के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जब परिवार के लोगों ने चाहा कि देख लें कि लड़की के साथ में क्या हुआ, तो भी आपने देखा कि लक्ष्मी मौर्या की बहन क्या बता रही है कि उसका जो गला है, जहाँ गले पर निशान था, वो दुपट्टे से ढक कर रखा गया था ताकि कोई देख ना पाए। और बहुत ही अफसोस की बात है कि लगातार हमारे श्रावस्ती जिले में इस तरीके से मौत हो रही है, इस तरीके से दहेज हत्या के आरोप लग रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, इस पर जो है अंकुश लगना चाहिए। अभी आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा कि एक ही महीने के अंदर 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लड़कियों की मौत हुई है, जिनकी शादी को मात्र 1 साल 2 साल या 3 साल हुए थे और 1 साल नहीं बीता है। लक्ष्मी मौर्या की इसी घर से जो है डोली उठी थी, यहीं पर
बारह तारीख ही यहीं पर सहनाई बजी थी और आज बहुत ही अफसोस है कि एक ट्राली में रख करके उसकी लाश उसके घर पहुंची है। ये बहुत ही दुखद घटना, आपको बता दें इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस मामले में मायके पक्ष की तहरीर पर सास ससुर और पति के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। आपने जब अपनी बेटी की लाश देखी, क्या देखा उसपे? तो उसमें पीठ में पूरा बर्ती बर्तीन बर्ती पूरा बहुत बेतुका बर्ती है और जो है गले में जो है उसको गला दबाव करके मारा गया है। नाखून का जो है सब दाग बना है बकायदा। किन लोगों ने मारा है? और उसके परिवार मारे हैं, उसके जो है सास ससुर मारे हैं, और क्या मारे मौत। तो यहाँ जब सूचना मिला तो वहाँ से लेकर के उन लोग आए यहाँ, तो यहाँ जो है कानम के मृत घोषित कर दिया जो है डॉक्टर ने। फिर बाद में हमने देखा आकर के, तो देखा लड़की हमारी नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद तो हमने चोट आपने देखा, क्या लगता है आपको आपकी लड़की के साथ क्या हुआ? हाँ, गला घूर कर मारा गया सर। किसने मारा होगा, किस पर आरोप लगाया है आपने? सर आरोप है जो जिस लड़की के साथ शादी किया वो लड़का या उसका सास और उसका जो है ससुर, तीन लोग के ऊपर है। क्यों मार सकता है, क्या वजह बताइए? अब वो जो दहेज उत्पीड़न के लिए जो है आए दिन परेशान कर रहा था सर। क्या नाम है उसके पति का? पति का नाम है हरदयाल। तो दहेज के लिए कब से परेशान कर रहा था सर? अभी शादी जो है 2022 में 21 मई का हुआ है। एक साल हुआ जी, अभी एक साल नहीं पूरा हुआ है। अच्छा, लड़की का क्या नाम? लक्ष्मी उड़िया। थाने में एप्लीकेशन दिया आपने? जी। मुकदमा दर्ज हुआ? जी, मुकदमा दर्ज हुआ। बनी हो वो एक पे सीनियर लागे ले जाते, बाकी सभी रोना टोना फैमिली वाले के ही न्यूज लागे।